छतरपुर जिले के बमीटा थाना क्षेत्र के अंतर्गत झमटुली गेहूं खरीदी केंद्र में तेज हवा के साथ जोरदार बारिश से खुले में रखा हजारों क्विंटल गेहूं भीग गया, जिससे लाखों का नुकसान हुआ है। झमटुली सोसाइटी के लिए राष्ट्रीय एकीकृत विकास परियोजना द्वारा गोदाम का निर्माण 20 लाख की लागत से गेहूं खरीदी केंद्र सीजन से पहले विभागीय तौर पर किया जाना था। इस निर्माण को विभाग के कर्मचारी रेशेदार यादव द्वारा कराया जा रहा था, जिसको समय सीमा में नहीं करवाया गया। 20 लाख रुपए में 3 किस्तों में 15-15 लाख रुपए निकाल लिया गया और गोदाम का निर्माण अधूरा छोड़ दिया गया। मजे की बात यह कि निर्माण से ज्यादा राशि निकालकर दिसंबर माह से निर्माण कार्य बंद कर दिया गया है। यहाँ बता दें कि विभागीय अधिकारी द्वारा निर्माण कार्य किया जा रहा है, इस कारण वरिष्ठ अधिकारी भी मौन धारण किए हुए हैं। यदि गोदाम का निर्माण गेहूं खरीदी से पहले हो जाता तो गेहूं नहीं बिकता और न ही शासन को नुकसान होता। इंजीनियर रमन अवस्थी ने बताया कि हमने कई बार वरिष्ठ अधिकारी को पत्र लिखकर अधूरे निर्माण कार्य एवं लागत से ज्यादा राशि निकालने की जानकारी दी है, पर जब इस बाबत अधिकारियों से बात की तो उन्होंने इसे गंभीर अनियमितता करार दिया और हमेशा की तरह रटा रटा बयान दिया कि जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। मामला चाहे जो भी हो, पर इतना तो तय है कि सरकार बदल गई, नेता बदल गए, नुमाइंदे भी बदल गए, पर हाल जस के तस है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि सिस्टम सिर्फ एक ही होता है, बदलते तो सिर्फ उसको चलाने वाले हैं। ठीक है, आपके द्वारा जानकारी संज्ञान में लाई जा रही है, इसकी हम जो भी वहाँ के समिति प्रबंधक है उसकी हम जांच कराएंगे, जीएम कॉपरेटिव उनके माध्यम से भी जांच कराएंगे, और अगर नुकसान हुआ होगा तो निश्चित जो भी समिति प्रबंधक है वहाँ जिम्मेदार लोग उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जैसा कि सर अंदेशा था कि बारिश होने वाली है, फिर भी गेहूँ को खुले में रखा गया, तो क्या मानते हैं सर, तिरपाल वगैरह का इंतजाम होना चाहिए? हाँ, व्यवस्था तो करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, ताकि गेहूँ खराब नहीं हो।